नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण में आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान किया गया। इस चरण में यूपी की 14, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7 और राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अर्जुन राम मेघवाल, राजवर्धन सिंह राठौर, जयंत सिन्हा, पूनम सिन्हा, शकील अहमद, पशुपति कुमार पारस, राजीव प्रताप रूडी, अर्जुन मुंडा, शकील अहमद समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। आज पांचवे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और भारत का भविष्य तय करने के लिए मतदान ही सबसे प्रभावी तरीका है। मैं आशा करता हूं कि युवा मतदाता भी रिकॉर्ड नंबर में मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फानी से प्रभावित ओडिशा में हालातों का जायजा लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे। यहां सीएम नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यपाल गणेशी लाल ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को ओडिशा में फानी से भारी तबाही हुई है। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 14,000 से ज्यादा गांव बर्बाद हो गए हैं। माना जा रहा है पीएम मोदी ओडिशा को केंद्र से मदद का ऐलान भी कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलना तय है और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें, सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा से है। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट देश की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, जहां आज वोटिंग की गई। यहां पर कड़ा मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, राहुल बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन को इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग भी की गई है। आज पांचवें चरण के लिए बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में वोट डालने पहुंची। मतदान के बाद उन्होंने कहा, लोग घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें, इस बार यूपी में सपा और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत आने वाले पुलवामा के रोहमो पोलिंग बूथ पर आज आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा बिहार के सारण के सोनपुर विधानसभा के नया गांव में 131 नंबर मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान लोगों ने मतदान केंद्र पर लगे ईवीएम को भी तोड़ दिया। ईवीएम तोड़ने के आरोप में पुलिस ने रंजीत पासवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल, विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है sineaajkalindia@gmail.com। तेज प्रताप के गुस्से के आगे अब राजद के नेता ताल ठोकते नजर आने लगे हैं। दानापुर के हाथी खाना मोड़ पर राजद के कार्यालय के उद्घाटन के लिए तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पहुंचे। इस दौरान कार्यालय में लगे बैनर पर अपना नाम और तस्वीर ना देखकर वो भड़क गए। तेज प्रताप ने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग लालू परिवार को तोड़ना चाहते हैं और मां के सामने ही कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी तेज प्रताप पर हाथ उठाकर उन्हें भला बुरा कहा। हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने आज मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी की सुनामी चल रही है। बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हजारीबाग पर जयंत सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस के गोपाल साहू और सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हैं। पांचवें चरण में आज पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान किया गया। बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला किए जाने का आरोप लगाया। अर्जुन ने कहा, मतदान के दौरान
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वोटरों को धमकाया। इतना ही नहीं, टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर भी हमला किया और मुझे चोटें भी आई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला आरोपी सुरेश 7 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 4 मई को गरमपुरा में रैली के दौरान सुरेश चौहान ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। पूछताछ में उसने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज है और उसको सबक सिखाना चाहता था। उसने बहुत सारे वादे किए पर कुछ भी पूरा नहीं किया। गुजरात की एटीएस टीम को कल एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस टीम की 4 महिला पुलिस कर्मियों ने पहली बार बहादुरी दिखाते हुए एक नामचीन डॉन जूसब अल्लारखा को वोटाद के जंगलों से गिरफ्तार किया है। अल्लारखा पर जूनागढ़ में 15 से ज्यादा हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। जानकारी मिलने के बाद टीम ने शनिवार देर रात बोटाद के जंगल में सर्च ऑपरेशन किया और उसे गिरफ्तार किया। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने कल एक रैली के दौरान बुशहरा गांव में एक युवक को चांटा मार दिया। भट्टल कांग्रेसी प्रत्याशी केवल ढिल्लो के पक्ष में प्रचार करने गई थी। जनसभा के दौरान एक युवक ने उनसे सवाल किया कि आप 25 साल तक इस क्षेत्र के विधायक रही हैं, लेकिन आपने यहां के विकास के लिए क्या किया। इस सवाल पर वो नाराज हो गई और युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अयोध्या में सरयू नदी के पास संत तुलसीदास घाट पर करतालिया बाबा मंदिर के पास सीवर की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से प्राचीन शिव मंदिर मिला। इसकी खबर इलाके में फैली और देखते ही देखते लोगों ने उस स्थान पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उस जगह को मिट्टी से ढक दिया गया। शिव मंदिर मिलने की जानकारी प्रशासन और पुरातत्व विभाग को भी दे दी गई है। बताया जा रहा है चुनाव के बाद प्रशासन यहां खुदाई करेगा। अभिनेता विवेक ओबरॉय ने कल दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वासियों से पीएम मोदी को वोट देने का आग्रह किया। विवेक 7 सीटें मोदी को नामक एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हम सब चौकीदार हैं जो हथियारबंद और तैयार हैं। हम चौकीदार देश को लूटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत तय है। ये देश अब लुटेगा नहीं, उठेगा। ओबरॉय ने हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय, 7 सीटें मोदी को और जय हिंद जैसे नारे भी लगवाए। खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHECK मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।